खाद्य सामग्री बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो सदस्यों को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल फोन, 60 किलो ड्राई फ्रूट सैंपल, 1 ऑडी कार, 1 इनोवा गाड़ी और आदि सामान बरामद हुआ। अभियुक्तों की पहचान राजस्थान निवासी ओम प्रकाश जागीर और नोएडा निवासी मोहित गोयल के रूप में हुई है। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम है गगनदीप सिंह। क्या ठगी हुई आपके साथ, क्या मामला था? इसने मोहित गोयल ने मेरे से भैया बादाम लिया था, भैया उसने मुझसे बादाम गिरी ली थी और उसने मेरे से ट्रांसपोर्टेशन ट्रक भी भैया मुझसे लगवाई थी उसने मुझसे, और इसने मुझसे पहले माल लिया था, इसने मुझे PDC चेक भी दिए थे, जो चेक भैया इसने पहले मना करा कि अभी मत लगवाना, अभी अवेलेबल बैलेंस नहीं है मेरे अकाउंट में, और जब मैंने चेक लगवाए भैया तो मेरे चेक भैया बाउंस हो गए भैया। कितना ठगी की गई, कितने पैसों की ठगी हुई आपके साथ? भैया मेरे साथ 3,68,00,000 रुपये की ठगी हुई है भैया। कब हुई थी ये? भैया 2019 भैया दिवाली में भैया नवंबर में भैया। ये जो आपकी ठगी हुई है, आपके जो फर्म है वो आपके नाम से या मेरी वाइफ के नाम से है भैया वो ठगी? रहने वाले कहाँ के आप? भैया मैं गाजियाबाद राजनगर में रहता हूँ भैया। मैं भैया पहले मैंने उसको माल दिया भैया, उसने मुझसे अपनी दोस्ती बनाई, इसने मुझसे अपना संबंध बनाया, पहले उसको माल दिया था, इसने मुझे एडवांस पेमेंट करता था 40% 50% ही मुझे पेमेंट करता रहा भैया। फिर जब मैंने पैसे मांगे तो भैया मुझे थोड़ा टालता रहा, मुझसे और माल ही मंगवाता रहा भैया। पर जब मुझे बाद में पता लगा ये फर्म इसकी नहीं है, फिर इसने किसी और डमी फर्जी फर्म में बनवा रखी है, तो मुझे भैया मैंने उसको माल देना बंद कर दिया, और जब मैं इसके बाद पैसे लेने गया तो मुझे मिलता नहीं था। आपकी ये कब पता पड़ा आपको कि ये ठगी करते हैं? ये भैया मुझे 5-6 महीने बाद भैया पता लग गया था, क्योंकि जब मैं पेमेंट देने जाता था तो और वेंडर भी बैठे होते थे जिनको पैसे भैया नहीं मिलते थे। आपने को इनकी लिखित में शिकायत दी थाने में? मैंने FIR करी, पर इसने भैया सारे वकील खरीद रखे हैं, सारे पुलिस वालों को खरीदने की बात करता है, सारे BJP के मिनिस्टर्स को भैया खरीदने की बात करता है, और ये तुरंत भैया एंटीसिपेटरी भैया इसने बेल ले ली, और जब मैं इसके बाद पैसे देने भी गया तो उसने मेरे पास मेरे ऊपर अपने बाउंसर से भैया अटैक भी करवाया उसने भैया गुड़गांव में भैया। ये आपने 5 महीने पहले थाने में FIR करवाई, कौन से थाने में कराई FIR? भैया मैंने कबीरनगर, कबीरनगर थाने में। हाँ भैया गाजियाबाद थाना कबीरनगर में भैया। कितने लोगों के खिलाफ? भैया मोहित गोयल, मनोज कादियान, प्रदीप सिंह निर्माण, इसकी सास भी इसके साथ शामिल है, इसकी वाइफ भी इसके साथ शामिल है, इसकी बहन भी, इसका जीजा भी, सब लोग भैया इसमें गिरोह बना के भैया काम करते हैं। कहाँ था इनका ऑफिस इस समय? भैया इनका गुड़गांव में था भैया, सोहना रोड में भैया। देखिए ये एक कंपनी दुबई ड्राई फ्रूट्स के नाम से यहाँ पर नोएडा में काम कर रही थी, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड करके उनका पैसा हड़पा गया था। इसी के संबंध में एक FIR दिसंबर महीने में लिखी गई थी थाना 58 में। उसके विवेचना के क्रम में जब हमारी टीम और गहराई में गई तो दो अभियुक्त जो आज गिरफ्तार हुए हैं, मोहित और ओम प्रकाश जांगीर, ये दो लोगों को आज टीम ने अरेस्ट किया है। इनसे पूछताछ में और प्लस विवेचना के क्रम में जो तथ्य संज्ञान में आए हैं मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये एक पूरा गैंग है जिसमें मुख्यतः 5-6 लोग हैं और इनके साथ और बहुत सारे लोग जो इनके एसोसिएट्स हैं। इनके द्वारा एक कंपनी रजिस्टर की जाती है जिसमें फास्ट मूविंग जो कमोडिटीज़ हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनमें डील किया जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, दाल, राइस, शुगर, इस टाइप की कमोडिटीज़ में ये लोग डील करते हैं। ये ऑफर जो परचेज करने का देते हैं, जो मार्केट रेट है उससे थोड़ा बढ़ाकर कीमत देते हैं, उस झांसे में लोग इनके आ जाते हैं, और जो सपोज 100 रुपये की चीज़ है उसको इन्होंने 110 रुपये या 120 रुपये ऑफर किए तो लोग अपने गुड्स इनको सेल करने लगते हैं। शुरू में विश्वास जमाते हैं एडवांस पेमेंट करके या पूरा पेमेंट देके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम बल्क में माल परचेज करते हैं, 30-40% अमाउंट एडवांस में देते हैं, बाकी अमाउंट उनका नहीं देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक से उनका बाउंस करा देते हैं। जो ये कॉमोडिटीज को लेते थे उन कॉमोडिटीज को ये लोग ओपन मार्केट में कैश में कम रेट में बेच दिया करते थे। तो टेक्निकली स्पीकिंग की एक जगह से माल परचेज किया ऑफिशियली, कुछ पैसे एडवांस में दिए, बाकी पैसे उनके मार लिए और उस स्टॉक को ओपन मार्केट में कैश में बेच दिया। इस तरीके से ये लोग पूरे एक फ्रॉड करने का इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, पहले 2018 में इन्होंने गुड़गांव में एक कंपनी रजिस्टर की, उसमें मुकदमा लिखा गया, कुछ लोग जेल गए, फिर दोबारा इन्होंने कंपनी रजिस्टर की श्रीश्याम ट्रेडर्स के नाम से, उसमें मुकदमे लिखे गए, उसमें जेल गए, उसको बंद किया, फिर एक तीसरी कंपनी रजिस्टर की नोएडा में जिसमें आयुर्वेदिक
कमोडिटीज के नाम से रजिस्टर की, उसमें जेल गए, उसमें मुकदमे लिखे गए। उसके बाद ये चौथी कंपनी इन्होंने दुबई ड्राई फ्रूट के नाम से फिर से रजिस्टर की और फिर से लोगों को अपने झांसे में लेके लोगों को ठगना शुरू किया। इनका जो कार्य क्षेत्र है या इनका जो मैं कहूँगा नॉट एग्जैक्टली कार्य क्षेत्र, जो पीड़ित जो हमारे पास शिकायतें अभी तक आई हैं, जो केसेस संज्ञान में आए हैं, उसमें पंजाब में भी इनके खिलाफ FIR रजिस्टर है, हरियाणा में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, और ऐसी अभी हम लोगों को सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं और फोन कॉल्स आ रहे हैं कुछ लोगों के जो पीड़ित हैं कि संभवतः जो सदर्न स्टेट्स हैं कर्नाटका और तमिलनाडु वगैरह में भी इन्होंने फ्रॉड किया, तो वहाँ पर भी कुछ केसेस संभवतः इनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं। दो अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, जो बाकी अभियुक्त हैं उन लोगों की तलाश अभी हम लोग कर रहे हैं और पूरा हमें विश्वास है कि जो बाकी अभियुक्त हैं उनको भी बहुत जल्दी हम लोग अरेस्ट कर लेंगे और ये जो पूरा रैकेट है उसको इनके खिलाफ कायदे से विधिक कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर सजा इनको दिलाई जाएगी। देखिए इसमें जो अभी जैसे मैंने केसेस की बात की, अभी तक जो लिस्ट प्रेस नोट में मैंने इंक्लूड भी किया है, तो कम से कम मेरे ख्याल से 2 दर्जन के आसपास मुकदमे तो ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स अभी हमें मिली है। और जैसा मैंने बताया कि पंजाब से भी कुछ लोगों के कॉल आए, कर्नाटका से भी कुछ लोगों के कॉल आए, जयपुर से बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड है, तो हो सकता है इसमें अभी और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हों जो इस पूरे ग्रुप के खिलाफ अलग अलग प्रदेश में रजिस्टर्ड।